लॉकडाउन में फंसे बलरामपुर जिले के प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की कवायद अब तेज हो गई है। मजदूरों को क्वारंटाइन करने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वहीं सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और रामानुगंज विधायक बृहस्पत सिंह खुद ऐसे प्रवासी मजदूरों के संपर्क में हैं जो घर वापसी की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और कलेक्टर को पत्र लिखकर 685 मजदूरों के नाम भेजे हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से आग्रह किया है कि जिले में लौटने वाले प्रवासी मजदूर सरकार के सभी नियमों का पालन करेंगे। बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है, उनके रहने खाने की बहुत मुसीबत हो चुका है, इसलिए हमने आग्रह किया है कि आप तत्काल उनको ला दीजिए। उनके नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ रुके हैं सारे हमने डिटेल भेज दिए है। और वो मजदूर इतने विचलित हो गए हैं, कई लोगों को तो वहाँ फैक्ट्री से निकाल दिया गया है, खाने के लिए भटक रहे हैं। हम पूरे छत्तीसगढ़ के 100 हजार करोड़ सभी का बजट पास करते हैं। अभी जो इस जिले के जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगभग 6000 मजदूर हैं जो बाहर से आना है, जिसमें से 637 लोग अभी तक आ चुके हैं, इनको क्वारंटाइन रखा गया है। बाकी सभी मजदूरों से हम लोग संपर्क में हैं, वो रेलगाड़ी और बाकी अन्य साधनों से उनको लाने की कवायद की है।